दिस प्रैक्टिकल वी विल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वट इज़ द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड अब रिप्रोडक्शन डिपेंड्स कि वो किस टाइप की हो रही है उसकी जो है मेन टू टाइप्स हैं एक है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफ प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होते हैं और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफ प्रोड्यूस होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर तो सेम होता है लेकिन ऑफ जो हैं बिल्कुल सिमिलर नहीं होते पेरेंट्स से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स बनते हैं मेल गैमेट्स बनते हैं और फीमेल गैमेट्स बनते हैं और उनकी जब फ्यूजन होती है तो उससे जो है वो एक जाइगोर्ड बनता है और जयगोर्ड से एक पूरा एनिमल बनता है जिसे हम इंडिविजुअल भी कहते हैं और ऑफ स्प्रिंग कहते हैं अगर हम यहाँ पे देखें रिप्रोडक्शन इन इन्वर्टिब्रेड्स तो इन्वर्टिब्रेड्स में डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं लेकिन सबके अंदर एक कॉमन चीज़ है और वो है एग की प्रोडक्शन और स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन एक्सेप्ट कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का है और इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एनिमल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने जो स्पर्म सेल्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ड्यूरिंग कॉपुलेशन कॉपोलेशन मींस जब मेल और फीमेल जो हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ जो है वो स्पर्म उनके अंदर होता है इसमें इन्वर्टिब्रेड्स के अंदर हम स्टडी करेंगे इंसेक्ट्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो अगर हम इंसेक्ट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं गैमेट्स की फॉर्मेशन में और रिप्रोडक्शन में यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं एक लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम टेस्टिस कहते हैं और टेस्टिस के अंदर मल्टीपल ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जिसे हम सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स कहते हैं और इन टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म सेल्स बनते हैं और ये जो स्पर्म सेल्स हैं टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिस के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स की यहाँ पे ये बनते हैं और ये मूव करते हैं डिफरेंट टिब्यूल्स में अब वो कौन कौन सी टिब्यूल्स हैं सबसे मेन जो टिब्यूल है वो इसके अंदर है वेस्ट डेफ्रेंस स्पर्म्स वहाँ से मूव करते हैं और जब स्पर्म्स वेस्ट डेफ्रेंस से मूव करते हुए आपके पास एजैकोलेट्री डक्ट में आते हैं तो बहुत सारे जो हैं एसेसरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस करते हैं ताकि जो स्पर्म है वो एक लिविंग सेल है तो वो सर्वाइव कर सके उसके लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन एसेसरी ग्लैंड के अंदर जो हैं वो प्रोवाइड की जाते हैं ये जो अपनी सिक्रीशंस हैं ये इन डक्ट्स के अंदर करते हैं ताकि जो स्पर्म है उसका सर्वाइवल पॉसिबल हो और जब स्पर्म इजैकुलेट्री डक्ट के अंदर आते हैं तो वो पीनस के थ्रू जो है वो बाहर रिमूव किए जाते हैं बॉडी से लेकिन स्पर्म जो है एक सिंगल सेल नहीं होता बल्कि वो क्या होता है उसके अंदर एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है अगर ये आपके पास रिप्रोडक्टिव सेल है जिसे हम स्पर्म सेल कहते हैं तो यहाँ पर एक और मेमब्रेन मौजूद होती है ये दोनों कंबाइंड हो स्पर्मेटोफोर बनाते हैं और ये स्पर्मेटोफोर जो हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें कि स्पर्म का फॉर्मेशन का पाथवे क्या है और उसके जो है रिमूवल का पाथवे क्या है तो सबसे पहले स्पर्म बनेंगे टेस्टिस के अंदर टेस्टिस से होते हुए वो जाएंगे वैस डेफरेंस में वैस डेफरेंस से वो जाएंगे सेमिनल वेजिकल्स के अंदर सेमिनल वेजिकल से वो जाएंगे जैकोलेट्री डक्ट के अंदर और एजैक्यूलेट्री डक्ट से वो जाएंगे एडिगस में जिसका जो है अदर नेम पिनस है उसके अंदर और वहाँ से ये जो रिमूव हो जाएंगे बॉडी से मेल की बॉडी से रिमूव हो जाएंगे अगर हम देखें कि फीमेल जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो है बॉडी उसमें किस तरह से गैमेट्स बनते हैं और किस तरह फ्यूजन होती है स्पर्म की और एग की तो उसमें सबसे पहले ये क्या होती हैं ओवेरियन लिगमेंट्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे जो हैं फॉलिकल्स मौजूद होते हैं ये फॉलिकल्स जो हैं आते हैं ओवरीज़ के अंदर और ओवरीज से ये नीचे को मूव करते हैं ओविडक्ट में जब ये ओविडक्ट में मूव करते हैं तो बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं अपने सेक्रेशंस करते हैं ताकि एग जो है वो सर्वाइव कर सके और एग यहाँ पे ओविडक्ट के अंदर आते हैं ओविडक्ट वो प्लेस है जहाँ पे स्पर्म और एग की फ्यूजन होनी होती है और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद होता है जिसे सेमिनल रिसेप्टिकल कहते हैं जो भी मेल ने स्पर्म सेल्स ट्रांसफ़र किए होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर वो सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं तो ये एक स्टोरेज हाउस है स्पर्म्स के लिए उसके बाद फीमेल बॉडी को ड्यूरिंग हर लाइफ स्पैन जब भी स्पर्म्स की ज़रूरत पड़ती है वो इस जो है स्टोरेज हाउस से लेती है उसे ओविडक्ट में ट्रांसफ़र करती है वहाँ पे फ्यूजन होता है एग और स्पम का और वहाँ से वो होता हुआ मूव करता है विजाइना में और इसके थ्रू जो है वो एनिमल बॉडी से बाहर मूव कर जाता है और ये एग्स जो हैं वो फिर लार्वे में कन्वर्ट होते हैं और लार्वे से एक होल इंडिविजुअल में कन्वर्ट होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर सिमिलरली अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्रिकेट्स का जिस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हमने अभी बात की ये कॉमन है सब इंसेक्ट्स के अंदर सब आर्थ्रोपोड्स के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली क्रिकेट्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहाँ पे क्या है लीफ लाइक ओवरीज मौजूद हैं ओवरीज में बनता है एग और वो आता है बरसा के अंदर ओविडट का अदर नेम यहाँ पे बरसा है और सेमिनर रिसेप्टिकल में मौजूद होते हैं स्पर्म्स वो इस बरसा के अंदर आते हैं और एक नीडल लाइक पोस्टर मौजूद होता है जिसमें एग यहाँ से आफ्टर फर्टिलाइजेशन पास होते हैं और ये जो है इस ओपनिंग के थ्रू जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं ये क्रिकेट का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है अगर हम उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं उसमें जो है स्पर्म फॉर्मेशन होती है उसके बाद वो आते हैं वेस्ट डेफ्रेंस के अंदर वेस्ट एफरेंस से जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं एसेसरी ग्लैंड के साथ जो भी सक्रेशन हैं वो उन जो हैं वो वेस्ट डेफ्रेंस के अंदर आएंगी और उसके बाद जो है वो पीनस के थ्रू स्पर्म्स बॉडी से रिमूव हो जाती हैं मेल की बॉडी से और फीमेल बॉडी में एंटर हो जाते हैं इस तरह से जो हैं आपके पास इंसेक्ट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो चलता है और जो है उनकी जनरेशन्स आगे लीड करती हैं नेक्स्ट अगर हम इन्वर्टीब्रेड्स में देखें तो हमारे पास आते हैं सेफेलो कॉर्डेट्स में मोस्टली एक टेस्टिस फंक्शनल होता है और एक ही ओवरी जो है वो फंक्शनल होती है और दोनों जो हैं ये गोनेड्स ये इसके मेंटल कैविटी में मौजूद होते हैं यहाँ पे ऑक्टोपस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये उसकी जो है वो मेंटल कैविटी है और मेंटल कैविटी के अंदर जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं जिस तरह हार्ट है किडनीज़ हैं और गिल्स हैं गुनेड्स हैं अगर फीमेल है तो ओवरीज मौजूद होंगी अगर मेल है तो टेस्टिस मौजूद होंगे ऑक्टोपस का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाकी इन्वर्टिब्रेड से डिफरेंट है क्यों क्योंकि इसमें ये आम लाइक -like स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और जो मेल है उसका जो थर्ड राइट आम है वो इस तरह मॉडिफाई होता है कि वो जो है ताकि वो स्पर्म या स्पर्मेटोफोर्स को ट्रांसफ़र कर सके फीमेल की बॉडी के अंदर यहाँ पे जो उसका थर्ड आम है उसे हम हेक्टोकोटाइलस कहते हैं और हेक्टोकोटाइलस जो है वो स्पर्म ट्रांसफ़र करता है मेंटल कैविटी के अंदर जहाँ पे ओवरीज मौजूद हैं और ओवरी के अंदर जो है वो एग मिच्योर हुआ हुआ है इस तरह इसके जो है विजरल मैस में फ्यूजन होती है और जो है एग ले किए जाते हैं और वो जो है एक ओपनिंग होती है विजरल मैथ के अंदर या मेंटल कैविटी के अंदर उसके थ्रू जो है एग बाहर ले कर दिए जाते हैं तो ये है सिर्फेलो कोडेट्स का आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस प्रैक्टिकल पर हमने क्या स्टडी किया रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने देखा क्या होता है ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टडी किया इसमें इन्वर्टि का इन्वर्टि में भी हमने इंसेक्ट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी किया और इसमें सेफेलोकॉर्डेट्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी किया अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कॉमनली क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं ओवरीज मौजूद होती हैं ओवीडक्ट मौजूद होता है और सेमिनल रिसेप्टिकल मौजूद होता है और ओवी पोस्टर मौजूद होता है जिसके थ्रू जो एग्स हैं वो बाहर रिमूव किए जाते हैं इन केस ऑफ मेल इंसेक्ट जो हैं ओवरीज की जगह टेस्टिस मौजूद होता है असेसरी ग्लैंड मौजूद होते हैं डक्ट मौजूद होती है जिसे वेज डेफ्रेंस कहते हैं और पीनस मौजूद होता है जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर उसके बाद हमने देखा फेलोकॉर्डेट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसमें उसके जो आर्म्स हैं वही मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं और पीनस के तौर पे फंक्शन करते हैं और उसे हम हेक्टोकोटाइलस का नाम देते हैं उसका जो आर्म है वो डायरेक्ट जाता है उसकी विजरल मैस में जहाँ पे ओवरीज़ मौजूद हैं और वहाँ पे जो है एग के बिल्कुल पास पर्म को ट्रांसफर कर देता है और वहाँ पे उसकी फ्यूजन होती है और उससे जो है वो एग प्रोड्यूस होते हैं जो मेंटल कैविटी की ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं दिस इज ऑल अबाउट दी इनवर्टिब्रेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप फेलोकॉडेट्स के अलावा इसके किसी और मेम्बर का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी कर सकते हैं और इंसेक्ट्स में भी इसी तरह जनरल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर रहते हैं सारे एनिमल्स के अंदर थैंक यू गुड लक